आज प्रांत ऑफिसर से हम लोगों ने मुलाकात की। महाराष्ट्र हुकूमत ने लड़की बहन स्कीम का ऐलान किया। 21 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक जो हमारी बहनें हैं, हुकूमत महाराष्ट्र 1500 रुपया महीना उनको वजीफा देने का ऐलान किया है, मानधन देने का ऐलान किया है। और इसके लिए आज मालूमात लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज मैं मालेगांव शहर की आवाम से अपील करता हूँ कि राष्ट्रवादी भवन आगरा रोड पर कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रोजाना 15 जुलाई तक हम लोग लड़की बहन स्कीम का ऑनलाइन फॉर्म, डोमेसाइल सर्टिफिकेट, कूपन दाखिला और जो पेपर हम अखबार के जरिए आवाम तक और ऐलान के जरिए आवाम को बताएंगे, वो तमाम ही पेपर लेकर आवाम ने ऑफिस, हमारे ऑफिस आना और वहाँ पर हमारे तमाम ही जिम्मेदार, पार्टी के जिम्मेदार ऑनलाइन आवाम की रहनुमाई करेंगे और मुनासिब दामों में, क्योंकि शहर के अंदर अलग अलग एजेंट के मार्फत किसी से 500 रुपये बहनों से लिया जा रहा है, 1000 लिया जा रहा है, बिल्कुल हम ऐसा नहीं करेंगे। जो मुनासिब दाम है वो दाम में आवाम की रहनुमाई करेंगे, क्योंकि जो मुनासिब दाम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट की फीस अदा करना है ये 2-3 सर्टिफिकेट लेने के लिए, इसके लिए मुनासिब दाम में कल से हम लोग हमारी आवाम की रहनुमाई के लिए, माँ बहनों की रहनुमाई के लिए कल से हम लोग ऑफिस के जरिए आवाम की रहनुमाई करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। मैं तमाम ही शहर की माँ बहनों से अपील करता हूँ कि आधार कार्ड आपका ओरिजिनल लाए, वहाँ पे हम लोग जिरॉक्स करके आपको आधार कार्ड वापस देंगे, 2 फोटो लगेंगे आपके, आपका बैंक का अगर पासबुक है बैंक अकाउंट का वो लगेगा, इसी तरीके से बाकी जो 2-3 सर्टिफिकेट बनाना है वो हम लोग बनाकर ऑनलाइन आपको देंगे। आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं प्रांतों में नहीं जाना है, कहीं तहसीलदार में नहीं, कहीं तलाड़ी पास नहीं जाना है, वहीं से आपका ऑनलाइन किया जाएगा और वहीं से आपको काम करके दिया जाएगा। ये स्कीम की मालूमात भी हमने ली और आज हम शहर की आवाम को ऐलान कर रहे हैं कि आवाम की मदद करने के लिए हम लोग आगे आए हैं।